नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि कोई भी पुराना रेडियो, टेप रिकॉर्डर हो या कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो जो आपके काम नहीं आ रहा है, उसके अंदर हम अपनी ऑक्स केबल लगाना सीखेंगे। क्योंकि ऑक्स केबल लगने के बाद आप उसमें अपने मोबाइल के गाने सुन सकते हैं, आप अपने मनपसंद न्यूज़ सुन सकते हैं, वो भी तेज़ आवाज़ के अंदर। दोस्तों, ये पुराने हो चुके रेडियो वगैरह कुछ काम नहीं आते, तो आप इसको एक नए तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें ऑक्स केबल लगा के और इसको वापस से नया कर सकते हैं, और आप नए जमाने के तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। खोलने के बाद इसके अंदर हम ऑक्स जो केबल होती है उसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, आप ऑक्स केबल खरीद सकते हैं, उस ऑक्स केबल को बीच में से काट लीजिएगा। काटने के बाद इसमें हम किस कहाँ पे इसका हमारी केबल को कनेक्ट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ। लगभग सभी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ऑडियो के, उसके अंदर आप लगा सकते हैं अपनी ऑक्स केबल। तरीका सब में सेम होता है। अब मैं इसमें आपको लगा के दिखाता हूँ। हमारे स्क्रू इसमें खुल जाएंगे। खुलने के बाद अंदर से जो प्लेट आएगी, जो पीसीबी प्लेट है, उसके अंदर हम अपनी ऑक्स वायर लगाएंगे। देखिए दोस्तों, अब जैसे इसको खोलेंगे, अंदर पीसीबी होगी, इसका मदरबोर्ड है, एक ट्यूनिंग वाला वॉल्यूम और बटन लगे हुए हैं दोनों। देखिए यार दोस्तों, आप जो हमें सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देनी है, इसके अंदर जो हमारा वॉल्यूम वाला बटन होता है उसके अंदर ही हम अपने कनेक्शन करते हैं। क्योंकि दोस्तों, मुझे इसके अंदर FM भी चलाना है और साथ के अंदर अपना मोबाइल भी चलाना है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। दोस्तों, या तो आप इसमें से सेलेक्ट वाले स्विच है उसके अंदर से कनेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैं आपको डायरेक्ट ही कनेक्शन करना सिखाऊंगा। ये हमारी ऑक्स केबल है। दोस्तों, ऑक्स केबल में आप देखेंगे कि जो इसके अंदर वायर होती है, तीन वायर होती है, एक ग्राउंड की होती है, एक लेफ्ट और राइट की होती है। देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है कि सिर्फ जो ब्लैक वाली जो वायर होती है वो ग्राउंड की कहलाती है, तो उसको हम छोड़ देंगे, और जो बाकी जो दो वायर है उसमें हम कनेक्शन करेंगे। यानी कि हमारा जो ब्लैक वाली वायर है उसको हम ट्रांजिस्टर के, जो भी हमारा रेडियो है, उसके ग्राउंड से ग्राउंड जोड़ देंगे। और बाकी की जो दोनों है, लेफ्ट राइट ऑडियो, या तो आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं या फिर इसको अलग अलग लगा सकते हैं। अलग अलग मोबाइल अलग अलग तरीके सपोर्ट करता है, तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखिए दोस्तों, एक जो कॉमन है वो है ग्राउंड। ग्राउंड आप कहीं से भी इसको ग्राउंड कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें आपको जोड़ना है। मेरे यहाँ पे सेल के पास में जो नेगेटिव पॉइंट है उसमें मैं जोड़ देता हूँ, और जो दूसरा जो वायर होगा वॉल्यूम पे जुड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम से ही हमारी आवाज़ को कम ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों, हमें क्या करना है कि जो हमारा रेडियो चल रहा है वो, उसकी आवाज़ कम ज़्यादा होगी, लेकिन जो हमारा जो मोबाइल होगा उसकी हम आवाज़ डायरेक्ट करेंगे, ताकि हम उसको मोबाइल से अटैच कर सकें। देखिए दोस्तों, जो बीच वाला जो पॉइंट है इस पे हम हमारा वॉल्यूम का जो भी टर्मिनल है उसमें हम हमारे ऑक्स की केबल कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों, अगर आपके मोबाइल, जैसे आप ऑक्स की केबल कनेक्ट करते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम आनी चालू जाती है, ऑटोमेटिक उसकी आवाज़ कम ज़्यादा होती है, तो आप क्या करिएगा, जो जो वॉल्यूम वाले जो हमने जो दोनों वायर जोड़े हैं उसमें से एक वायर जोड़नी है आपको, और एक को टैप कर दीजिए, यानी कि उसको काट दीजिए, या फिर आप चाहे तो उसमें लाल जोड़ सकते हैं। लाल जोड़ेंगे तो आप हरी काट दीजिएगा, हरी जोड़े तो आप लाल काट दीजिएगा, तो भी आपका जो एम्पलीफायर है वो काम करेगा। देखिए दोस्तों, इसको मैंने आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसमें से हरी जो वाली वायर को जोड़ दिया है, और लाल वाली वायर को मैं टेप कर देता हूँ, ताकि किसी और से कनेक्ट ना हो। तो दोस्तों, आप पहले चेक कर लीजिए कि आपका जो फ़ोन है वो सही से सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दोनों वायर जोड़ देते हैं तब हमारी आवाज़ सही आती है, कई बार एक जोड़ते हैं तो हमारी आवाज़ सही आती है। दोस्तों, मेरा जो रेडियो है इसके अंदर सेल वाला सिस्टम था, तो मैंने बाहर से इसके अंदर एडाप्टर परचेस करके इसको मैं प्लग इन कर दिया है, क्योंकि ये मेरा दिन भर रेडियो चलेगा तो काफ़ी सेल खाएगा, तो इसलिए मैंने इसको बिजली से चलाया है। देखिए दोस्तों, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये जो फिलिप्स का मेरा ट्रांजिस्टर था, काफ़ी अच्छा था, इसका साउंड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि कंपनी का है,
तो मैंने इसमें ऑक्स केबल लगाने की सोची है। दोस्तों आप ऑक्स केबल किसी भी रेडियो में लगा सकते हैं, आपके पास कोई पुराना हो जिसके अंदर सिर्फ ऑडियो सिस्टम सही होना चाहिए और आप उसके अंदर कोई सा भी साउंड को एम्पलीफाई कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने इसमें कनेक्ट करके दिखाता हूँ। कोई भी आप सॉन्ग चला लीजिए, उसकी आवाज़ आपको इसमें सुनाई देगी और आपको इसमें वॉल्यूम तेज करने की जरूरत नहीं है ट्रांजिस्टर में, क्योंकि अपने आप ही इसमें डायरेक्ट वाले पॉइंट पे अपन ने इसमें लगाया है। आप इसमें यूट्यूब के चैनल वगैरह भी देख सकते हैं, कोई भी मूवी वगैरह इसमें आप सुन के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें ट्रांजिस्टर चलाता हूँ, यानी कि हमारा एफएम चला के दिखाता हूँ। एफएम के लिए आपको वॉल्यूम तेज करनी होगी और मोबाइल के लिए आपको वॉल्यूम कम करनी होगी, क्योंकि मोबाइल वॉल्यूम कम ज़्यादा सिर्फ मोबाइल से ही होगी। देखिए दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का टॉपिक, प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।